नमस्कार दोस्तों, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज का चैप्टर नंबर 3 है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला इडियम है दोस्तों आपका टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स का दोस्तों मतलब होता है किसी भी चीज़ का वेस्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, डेटीरियोरेट हो जाना। ये दोस्तों आपका आया है 17th या 18th सेंचुरी से। उस समय जनरली जो ब्रिटिश हाउस रहते थे उनमें एक न एक कुत्ता तो वो लोग पालते ही थे। जब घर का खाना वेस्ट हो जाता था, कुछ सड़ जाता था, बेकार हो जाता था, रुइन हो जाता था, तो वो जो खाना था रॉटन फूड वो कुत्ते को डाल दिया जाता था। तो वहाँ से फिर हमारे पास मीनिंग आ गया टू गो टू द डॉग्स, मतलब कोई चीज़ वेस्ट हो गई है, नष्ट हो गई है, व्यर्थ हो गई है, बेकार हो गई है, बर्बाद हो गई है, खराब हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिस पार्टी हैज़ रियली गॉन टू द डॉग्स। ये पार्टी वाकई में बहुत ज़्यादा व्यर्थ है, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, डिटीरियोरेट हो गई है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जिसको रुइंड हो गई है। फर्स्ट देयर वॉज द इशू विद द केटरर। पहले तो वो केटरर वाला इशू था यहाँ पर। एंड नाउ हाफ द गेस्ट आरंट कमिंग। और अब ये पता चला है कि आधे मेहमान आ ही नहीं रहे हैं, आधे गेस्ट आ ही नहीं रहे हैं। ये पार्टी वाकई में बहुत वर्स है, बेकार हो गई है। ठीक है, एक अगला आइडिया में दोस्तों, पे ऑन द नेल या कैश ऑन द नेल। दोस्तों पे ऑन द नेल या कैश ऑन द नेल का मतलब है मौके पर ही पेमेंट कर देना या बिना किसी देरी के पेमेंट कर देना। ठीक है, ये दोस्तों आपका 17th या 18th सेंचुरी ब्रिटेन से आया है। वहाँ पर जो आपके पुराने स्टॉक मार्केट रहते थे, वो दो जगह रहते थे, एक ब्रिस्टल में और एक स्टॉक होम में, वहाँ पर ये सिटीज़ हैं। तो वहाँ पर स्टॉक मार्केट के सामने इस तरीके के ये चार छोटे मोटे टेबल्स रहते थे, और इनको आप समझने के लिए समझ सकते हैं निगोशिएटिंग टेबल्स। इनको उस समय बोला जाता था नेल, NAIL। दोस्तों इन निगोशिएटिंग टेबल्स पर डीलिंग्स वगैरह होती थी, बिजनेस डीलिंग्स वगैरह। मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई बिजनेस डील हुई और वहीं पर किसी व्यक्ति ने ऑन द नेल पेमेंट कर दिया हैंड टू हैंड, तो वहां से हमारे पास एक मीनिंग बन गया टू पे ऑन द नेल, मतलब वहीं के वहीं पेमेंट कर देना, तुरंत पेमेंट कर देना, विदाउट एनी डिले ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देना। ठीक है, पे ऑन द नेल या कैश ऑन द नेल। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई लॉजर इज अ बिट ऑफ अ नोइजी फेलो। मेरा जो किराएदार है, लॉजर का दोस्तों मतलब होता है कोई व्यक्ति जो किराए पर रह रहा है, कमरा लेके रह रहा है। मेरा किराएदार थोड़ा सा नोइजी फेलो है, थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस बहुत करता है, बहुत शोर शराबा करता है। बट सो लॉन्ग एज ही कीप्स पेइंग मी हिज रेंट ऑन द नेल आई डोंट माइंड। बट जब तक वो अपना किराया मेरे को समय पर दे रहा है, तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं माइंड नहीं करता उस चीज़ को, तब तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एक अगला फ्रेज है दोस्तों, दैट इज पेनलॉप्स वेब। पेनलॉप्स वेब का दोस्तों मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आगे नहीं बढ़ रही है, जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, और ये आपका दोस्तों आया ग्रीक मैथोलॉजी से। उसमें एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक बुक है द ओडिसी, जैसे आपकी हिंदू मैथोलॉजी में रामायण और महाभारत है वैसे ही। तो द ओडिसी में एक करेक्टर है पेनलॉप। वो स्टोरी में इस तरीके की कहानी है कि पेनलॉप एक स्कार्फ है वो बुन रही हैं, और ऐसी कंडीशन है कि जब उनका स्कार्फ खत्म हो जाएगा, वो पूरा स्कार्फ बुन लेंगी, फिनिश हो जाएगा पूरा स्कार्फ, तो उसके बाद उनको शादी करनी पड़ेगी किसी व्यक्ति से, और वो शादी करना नहीं चाहती हैं। तो वो क्या करती हैं कि दिन में अपना स्कार्फ बुनती हैं और रात के समय जब कोई नहीं देखता तो वापस उस स्कार्फ को खोल देती हैं। ठीक है, और अगले दिन फिर से वो स्कार्फ बुनना शुरू कर देती हैं। तो एक तरह से एक ऐसी एक्टिविटी जिसको कि वो बार बार कर रही हैं, फिर बिगाड़ रही हैं, कर रही हैं फिर बिगाड़ रही हैं, मतलब वो एक्टिविटी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, वो एक्टिविटी अंततोगत्वा कहीं आगे बढ़ नहीं रही है। ठीक है, तो वहां से पर हमारे पास ये मीडियम आ गया है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एवरी डे आई वर्क ऑन दिस मैन्यूस्क्रिप्ट। रोजाना मैं इस मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम करता हूँ। मैन्यूस्क्रिप्ट दोस्तों मतलब होता है कोई आप स्टोरी लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं, तो उसका जो ड्राफ्ट है वो चीज़। ठीक है, एवरी डे आई वर्क ऑन दिस मैन्यूस्क्रिप्ट एंड एवरी नाइट माई बॉस टेल्स मी टू रीडू मोस्ट ऑफ इट। मैं हर दिन इस मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम करता हूँ और हर रात हर शाम मेरा बॉस बोलता है कि इसको दोबारा से करो। इट इज़ बिकमिंग लाइक पेनलोप्स वेब। ये बिल्कुल पेनलोप्स वेब की तरह बनता जा रहा है। ये एक ऐसी एक्टिविटी बन रहा है जिसको कि बार बार करते रहो तो भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, एक है दोस्तों हॉर्नेट्स नेस्ट। दोस्तों हॉर्नेट का मतलब आप समझ लीजिए जो मधुमक्खी होती है, जिसको मधुमक्खी जैसा ही एक वास्प होता है, जिसको कई बार कई जगह पर बोलते हैं बर, कई जगह बोलते हैं ततैया। तो हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब उनका घोंसला। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मधुमक्खी का छत्ता है,
उसको आप बोल सकते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे खतरे हों, बहुत सारे डेंजर हों, उस चीज़ को आप कहते हैं फिगरेटिवली हॉर्नेट्स नेस्ट। मधुमक्खी के छत्ते में ऑफकोर्स आप कभी हाथ नहीं डालेंगे, कभी उसमें ऐसे पत्थर वत्थर नहीं मारेंगे, वरना आपको पता है कि जो मधुमक्खियाँ आपसे चिपक सकती हैं, ठीक है। तो हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब कोई भी ऐसी प्लेस, कोई भी ऐसी जगह जो कि विच इज़ फ्रॉट विद डेंजर, जिसमें बहुत सारे खतरे हों, बहुत सारी परेशानियाँ जिसमें आपके लिए खड़ी हो सकती हैं, वो चीज़, ठीक है। अब दोस्तों हॉर्नेट्स नेस्ट ये अपने आप में एक फ्रेज जरूर है, बट इससे एक और रिलेटेड फ्रेज है, दैट इज स्टायर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। मतलब आपने मधुमक्खी के छत्ते में जनरली पत्थर मार दिया या उसमें डंडा ऐसे कर दिया तो मधुमक्खियाँ चिपक गई आप पर, इस तरीके से। तो इसका ये तो हो गया लिटरल मीनिंग, और फिगरेटिव मीनिंग मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले शांत थी, जिसमें कुछ वो नहीं था, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया, ऐसा कमेंट कर दिया या कोई ऐसा काम कर दिया जिससे कि आपके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई, या बहुत सारे लोगों का बहुत एंग्री रिएक्शन आपके लिए आने लगा, बहुत सारे लोग आपकी आलोचना करने लगे, आपको क्रिटिसाइज करने लगे, तो उसको कह सकते हैं यू स्टार्ट अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द गवर्नमेंट्स मिलिट्री इंटरवेंशंस रियली जस्ट स्टार्ट अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट इन द रीजन। गवर्नमेंट के मिलिट्री इंटरवेंशंस की वजह से, मिलिट्री इंटरफेरेंस की वजह से उस रीजन में बहुत सारे लोग प्रोवोक हो गए हैं, बहुत सारे लोगों का गुस्सा फूट रहा है, बहुत सारे लोगों में रोष व्याप्त हो गया है, या एक तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रोध उत्पन्न हो गया है, ठीक है। एक फ्रेज है दोस्तों टॉल टेल्स, टॉल का मतलब होता है लंबी और टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ, तो टॉल टेल्स मतलब कि बड़ी कहानियाँ या फिर गप, ठीक है, ऐसी कहानियाँ जो कि विचार नॉट लाइकली टू बी ट्रू, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, या जो कहानियाँ सच शायद ना हो, वो चीज़, ठीक है, बड़ी गप कह सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, दे सेट अराउंड द कैंप फायर टेलिंग टॉल टेल्स अबाउट देयर हंटिंग एडवेंचर्स। वो एक कैंप फायर के चारों तरफ बैठ गए और अपनी शिकार करने की, अपनी हंटिंग की बहुत बड़ी बड़ी गप हंकने लगे, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने लगे, वो चीज़, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो अभी आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में, नमस्कार।